नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल प्रवीण टेक सॉल्यूशन में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक्सेल में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कराएंगे। आज हम आपको पीएमटी फंक्शन कराएंगे। दोस्तों पीएमटी फंक्शन के थ्रू हमारे पास क्या होता है, इसके थ्रू आप अगर कोई भी कभी आप कोई लोन लेते हैं, जैसे आपने घर के लिए लोन लेना या आपने कोई कार लेनी है, तो उसके लिए जो लोन लेते हैं आपकी, तो मंथली आपकी जो किस्त होगी वो कितनी बैठेगी आपकी, हम इस तरह के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हम एक्सेल में बहुत ही इजीली तरीके से हम उसको सॉल्व करना सिखाएंगे आपको। दोस्तों अगर आज अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन हो मिलती रहे। दोस्तों आज हम एक्सेल में आपको पीएमटी फंक्शन लगाना सिखाएंगे। तो ये हमने एक्सेल में एक फाइल बनाई है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है हमने लिखा है मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर हाउस लोन या कार लोन, कि आपने जो लोन लिया हुआ है हाउस लोन या वो कार लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट रेट कितना था। हमने इंटरेस्ट रेट दे दिया, जैसे 12% हमारे पास आपने लोन लिया हुआ है, नंबर ऑफ मंथ कि कितने महीने के लिए आपने लोन लिया हुआ है, जैसे हमने लेना है 60 मंथ के लिए आपने लोन लिया हुआ है, 60 महीने के लिए आपने लोन लिया हुआ है, और टोटल अमाउंट जो टोटल अमाउंट है टोटल अमाउंट की कितना लिया आपने, जैसे हमने लिया यहाँ पे 2,25,000 आपने टोटल अमाउंट लिया हुआ है। इंस्टॉलमेंट जो आपकी महीने की इंस्टॉलमेंट है वो आपकी कितनी बैठेगी, ये चीज हमने निकालनी है। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी एक फंक्शन होता है हमारे पास एक्सेल में, जिसके थ्रू आप बहुत ही इजीली तरीके से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास पीएमटी फंक्शन से हमारे पास क्या होगा, बी टू क्या है हमारा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या है हमारा, 12% इंटरेस्ट के ऊपर हमने लोन लिया हुआ बैंक से। इसके बाद आपने क्या करना है, डिवाइड 12, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है ये 12 महीने के लिए हमारा इक्वल रहेगा, मतलब हर एक महीने के लिए जो हमारा इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 12% ही लगेगा हमारे पास। तो हमने क्या किया, B2 डिवाइड बाय 12 कर दिया हमने। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉमा, इसके बाद हमारे पास क्या होगा B3 करना है दोस्तों आपने, B3 कॉमा, और आपने क्या करना है B4। अब B3 क्या है हमारे पास, B3 हमारे पास है नंबर ऑफ मंथ क्या है, 60 मंथ है हमारा टोटल, और B4 क्या है हमारा, यहाँ पे आप नंबर भी देखते हैं, B4 क्या है हमारा जो टोटल अमाउंट है हमारा, तो हमने क्या लिया उसको B4। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो हमारा शिफ्ट के साथ हमने कॉमा को क्लोज करना है, तो आपने ये याद रखना है दोस्तों हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आपने B2 लगाना है, B2 लगा दिया आपने, इसके बाद आपने करना है डिवाइड इंटू 12 कर दिया B3 और B4। B3 क्या है हमारा नंबर ऑफ मंथ जितने महीने के लिए आपने किस्त बनाई है, मतलब हमने क्या जो लोन लिया है हमने उसके 5 साल की किस्त बनाई है कि 5 साल में हम इसको वापस देंगे, और जो टोटल अमाउंट था वो हमारा 2,25,000 हमारा अमाउंट है। तो ये आपने फंक्शन लगा देना, इसके बाद आपने एंटर कर देना है, जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। ये देखो आप यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारा 5,005 रुपये हमारे क्या होगा, हमारे जो किस्त बैठेगी वो हमारी इतनी हमारी किस्त बैठेगी, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, बहुत इजीली तरीके से आप क्या करते हैं यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे हमने मंथ को क्या करना है बढ़ाना है, हमने 72 मंथ करने हैं, तो हमारी जो किस्त होगी वो क्या होगी हमारे पास कम हो जाएगी, जितने महीने ज़्यादा होंगे उतनी हमारी जो किस्त होगी वो हमारी क्या होगी हमारी कम हो जाएगी। तो ये हमारा बहुत ही ईजिली तरीके से आप निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो हमने जो बैंक से लोन लिया हुआ है वो हमारी जो किस्त है वो कितने रुपये हमारे पास है हमारे पर मंथ देने हैं हमने। तो इस तरह से हम इसके थ्रू क्या करते हैं, मंथली जो इंस्टॉलमेंट होती है उसको हम क्या करना बहुत इजीली तरीके से एक्सेल में निकालना सीख सकते हैं दोस्तों। तो आपने क्या करना, इसमें ये हमारा जो फॉर्मूलाज है वो हमारा पीएमटी जो फॉर्मूला ये बहुत ही इजीली तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे भी लिख लेता हूँ ताकि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, पीएमटी इक्वल टू B2 कर देना आपने इस तरह से, के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है डिवाइड बाय 12 मतलब जितने महीने के लिए लगा रहे हैं आप, इसके बाद और B3 कॉमा B4
और इसके बाद इसको इस तरह से आपने क्लोज कर देना है। ये देखो आप यहाँ पे भी आपके पास आ चुका है, हमारे पास जो हमने फॉर्मर लगाया है यही हमारे जो ऊपर हमने लगाया था वो हमने यहाँ पे लगाया है, तो हमारे पास इतना ही हमारा अमाउंट आया हुआ है इसका कि हमारे पास क्या होगा, हमारा इतने हमारे आपके जो पैसे वो इतने लगेंगे। दोस्तों इस तरह से आज हमने आपको सिखाया कि हम पीएम की फंक्शन के थ्रू किस तरह से हम जो हमारा लोन है उसकी किस्त को निकाल सकते हैं कि हमारी लोन किस्त कितनी बैठी है पर मंथ। तो हम आपको इस तरह से एक्सेल में एक्सेल के बारे में सारे फंक्शन आपको यहाँ पे हम डेली अपनी वीडियो अपलोड करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप मेरी वीडियो को और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बताएं ताकि उनका बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच।